नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आपका आपके अपने चैनल इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू में। इस पैकेज में हम बात करेंगे कि कैसे हम घरेलू नुस्खों के जरिए डायबिटीज यानी मधुमेह जैसी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। आज के समय में डायबिटीज एक आम बीमारी बन गई है। हमारे खानपान पर नियंत्रण ना होना भी शुगर होने का एक बड़ा कारण है। डायबिटीज दो प्रकार की होती है। पहला वो जिसमें हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है, इसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, और दूसरे में हमारे शरीर में इंसुलिन जरूरी मात्रा में नहीं बन पाता, या फिर जो इंसुलिन बनता है वो काम नहीं करता, इसे हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। अब देखिए, मधुमेह को खत्म करने का कोई इलाज तो है नहीं, लेकिन हम कुछ घरेलू नुस्खों से इसे कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। करेले से शुगर के इलाज का उपाय। करेला खून में शक्कर के प्रभाव को कंट्रोल करने में सहायक है। करेला दोनों तरीके के मधुमेह के उपचार में फायदेमंद है। करेले के जूस को सुबह खाली पेट पीना लाभदायक है। सबसे पहले 2 से 3 करेले लें और इसके बीज अलग कर लें। करेले का रस निकाल लें, अब इसमें थोड़ा पानी मिलाकर पी लें। इसके अलावा आप अपने भोजन में भी करेले का बना हुआ आहार शामिल कर सकते हैं। आंवले से डायबिटीज कम कैसे करें? 2 से 3 आंवले लेकर उसके बीज निकालकर आंवले को पीस लें और इसका पेस्ट बना लें। अब एक साफ कपड़े में ये पेस्ट डालकर इसका रस निचोड़ लें और इसमें 1 कप पानी मिलाकर रोजाना खाली पेट पिएं। आप 1 कप करेले के जूस में भी आंवले के रस के 1 से 2 चम्मच मिलाकर पी सकते हैं। जामुन और आम से शुगर ठीक करने के उपाय। जामुन भी खून में शक्कर के स्तर को कम करने में मदद करता है। जामुन के पत्ते, बीज और बेर हर चीज शुगर का इलाज करने में प्रयोग होती है। जामुन के सूखे बीजों को पीस लें और पानी के साथ दिन में 2 बार लें। आप आम के पत्तों को भी शुगर कम करने की आयुर्वेदिक दवा में प्रयोग कर सकते हैं। 10 से 12 आम के पत्तों को रात भर 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इस पानी को खाली पेट पिएं। इसके अलावा आम के पत्तों को छाया में सुखाकर पीस लें और रोजाना आधा चम्मच पाउडर दिन में 2 बार लें। चलिए अब जानते हैं शुगर के उपचार में एलोवेरा का प्रयोग कैसे करें। एलोवेरा भी शुगर को कंट्रोल करने में फायदेमंद हो सकता है। एलोवेरा के सेवन से कुछ दिनों में ही शुगर कंट्रोल में आने लगती है। एलोवेरा के पत्तों को रात भर 1 गिलास पानी में भीगने के लिए रख दें और सुबह खाली पेट ये पानी पिएं। आप एलोवेरा के पत्तों को छीलकर रस को भी पी सकते हैं और इसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेथी के दानों से मधुमेह को कैसे करें कंट्रोल। आप मेथी को भी शुगर कंट्रोल करने और खून में शुगर के स्तर को सुधारने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। रात भर पानी में 2 चम्मच मेथी के दाने भिगोएं और सुबह खाली पेट बीजों को चबा चबा कर खाएं और पानी पिए, या फिर 2 चम्मच मेथी के दानों का पाउडर दूध के साथ लें। अंत में आपको एक और दिलचस्प उपाय बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि दालचीनी से भी आप अपनी शुगर कम कर सकते हैं? दालचीनी के पाउडर में खून में शुगर के स्तर को कम करने की क्षमता होती है। 1 कप हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच दालचीनी पाउडर डालकर रोज पिएं, या फिर 1 कप पानी में 2 से 4 लटे दालचीनी की डालकर उबाल लें और ठंडा कर फिर पिएं। तो दोस्तों, आप इन उपायों को जरूर अपनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये उपाय आपके लिए कितने कारगर रहे। सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू फॉर लेटेस्ट हेल्थ टिप्स वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।